हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की न्यूज़। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को लेकर। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और जापान के बीच में, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई साउथ एशिया और साउथ ईस्ट जो एशिया है इसके बीच में कनेक्टिविटी, और इसी के साथ ही अफ्रीका महाद्वीप के साथ कनेक्टिविटी, मतलब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग की जाएगी, ग्रोथ कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नए सी रूट हैं वो बनाए जाएंगे, इसी के साथ जो एंशियंट सी रूट हैं उनको भी वापस से एक तरीके से रीडिस्कवर है वो किया जाएगा। ये वैसे इसका मेन मोटो है। देखो, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इसका मोटो यही है कि भाई एशिया को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करना है, और इंडिया और जापान दोनों मिलके इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब 2017 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और इसका मोटो यही है कि जो साउथ एशिया या फिर हम साउथ एशिया दोनों के एरिया की बात करें उसको मेनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सी रूट है उसको मेनली फोकस किया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने वो है रिसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में, कि है रिसेंटली न्यूज़ में किससे एसोसिएट है। देखो, आपने आंसर सोच लिया होगा, आई होप। आपने लिमो का नाम सुना होगा, जो कि आपको पता है कि इंडिया और किसके बीच में है, यूएसए के बीच में। लिमोवा इंडिया और यूएसए के बीच में, ये किस लिए था? लिमो का मोटो यह है कि इंडिया और यूएसए के जो आर्मी नेवी वगैरह हैं ये एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस वगैरह यूज कर सकती हैं बिना किसी लड़ाई के, नॉर्मली पर्पज़ के यूज से। तो उसी तरीके से इंडिया ने फ्रांस के साथ साइन किया था रिसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो यह फ्रांस के साथ होगा, आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से इंडिया ने यूएसए लिमोवा साइन किया ना, उसी टाइप का यह लॉजिस्टिक सपोर्ट, एक मतलब रिसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया ने फ्रांस के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी किससे एसोसिएट है। देखो, टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी है ना, ये मेनली हमारे देश में जो एचआईवी एड्स से जो पीड़ित पेशेंट हैं या फिर एचआईवी एड्स से जो लोग जिनमें एचआईवी पॉजिटिव हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो एआरटी जो मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू बेसिकली टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी है, इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा कि भाई जो टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी है वो किस रिलेटेड है, एचआईवी एड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है सारस क्रेन के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो कि इंडिया, जो ओनली रिसेंस ब्रीडिंग सेंट क्रेन, मतलब इंडिया है जो कि ब्रीडिंग क्रेन का एकमात्र यहाँ पे ब्रीडिंग क्रेन है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो कि सबसे ऊंचा पक्षी है उड़ने वाला। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि है ओमनिवोरस है, मतलब यह फीस हुआ इसके साथ कीट पतंगे जो घास फूस वगैरह हर तरह की चीज़ें खाता है, मेनली प्लांट्स वगैरह को भी। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश का ऑफिशियल स्टेट बर्ड है। अब बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सारस क्रेन है ना वो इंडिया का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सॉरी सबसे बड़ा फ्लाइंग पक्षी है, और इंडिया में इसकी ब्रीडिंग क्रेन है एकमात्र, ही है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रीडिंग क्रेन है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि है ओमनिवोरस है जो कि एक तरीके से फिश हुआ इसके साथ ही इंसेक्ट्स हुआ घास फूस वगैरह हुआ ये सब मेनली खाता है प्लांट वगैरह। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखिए ये गलत है, क्योंकि जो सारस क्रेन है ना ये मेनली किसका है, स्टेट बर्ड यूपी का है, उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, ना कि मध्य प्रदेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड है वो करेक्ट है। अगर यूपीएससी यहाँ पे पूछती कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो क्या होता, तो इसका आंसर हो जाता फोर्थ, कि थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के बारे में बताइए पहले, एक बार क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए फिर आप इसका आंसर है वो सोचिए एक बार। देखो, जो भी आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन है ना, आप एक बार इनको सोचिए कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन ये है कि दक्कन पेनिनसुला वाला एरिया और ईस्टर्न घाट का जो एरिया है इनके मतलब जो जो मतलब इन एरिया का मिलने वाला एरिया है या फिर इनका समिश्रण वाला एरिया है जहाँ पे दो बायोग्राफिक रीजन मिलते हैं वहाँ पे कौन सा इसमें से नेशनल पार्क या रिजर्व है, ये आपको बताना है। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो ये दक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट मिलते कहाँ पे, सोचिए एक बार, और ये देखिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। आपने आंसर सोच लिया होगा। देखो, जो दक्कन पेनिनसुला है ना, नीले दक्कन प्रायद्वीप, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट,
ये दोनों मिलते हैं उड़ीसा वाले रीजन में, एक मोटा मोटा अगर हम नजर लगे तो। और उड़ीसा में कौन सा टाइगर रिजर्व है? उड़ीसा में ही है यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व, तो इसका सही आंसर होगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है, और वहाँ पे दक्कन प्रायद्वीप वाला एरिया और ईस्टर्न घाट वाला एरिया दोनों बायोग्राफिक रीजन यहाँ पे मिलते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। यूपीएससी देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है ना, उसने अभी नई गाइडलाइन ये जारी की कि भाई जो LOC के थ्रू जो जम्मू और कश्मीर वाला जो ट्रेड होता है ना, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम देखते हैं भाई बात है क्या। देखो बेसिकली इससे पहले हम एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये रहा देखो मैप, आई हो आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो ऊपर वाला आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे लाइन दिख रही होगी एक सेकंड, हाँ ये वाला, ये आपको बताया कि पाकिस्तान के अंडर में, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और ये यहाँ पे अक्साई चीन है जो चाइना ने एक्वाइड है वो कर रखा है। तो देखो पहले आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूँ। जो इंडिया की तरफ से हम बात करें कि जो बलूचिस्तान, सॉरी यहाँ पे हम बात करें ये वाला एरिया हो गया, और एक ये एरिया हो गया, दो एरिया आपको दिख रहे हैं। पाकिस्तान है इन दोनों एरिया को अलग अलग तरीके से गवर्न करता है। जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको तो ऑटोनोमस तरीके से गवर्न करना है पाकिस्तान, और जो ये नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे छोटा सा बेल्ट वाला है जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया है पाकिस्तान, ये बेसिकली आज़ाद कश्मीर के नाम से इसको मतलब गवर्न है वो किया जाता है। जबकि इंडिया इस पूरे एरिया को क्या बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि पाकिस्तान इन दोनों एरिया को अलग तरीके से गवर्न करता है। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब बात ऐसी है कि ये दिख रही हो आपको कि लाइन यहाँ पे LOC, ये देखो LOC वाला एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया, और ये यहाँ पे आपको देखो दाने दाने से डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ये वाला एरिया बेसिकली वैसे तो पहले पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया था, बट बाद में पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया, तो अभी रिसेंटली चाइना के अंडर है। और ये जो यहाँ पे अक्साई चीन वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, लद्दाख के इधर ये वाला एरिया, ये चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, क्या क्या सीन है। अब देखो जो ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमें ध्यान रखना है। LOC कौन सी है? LOC वाला ये बॉर्डर है, यहाँ पे BSF तैनात रहती है जो प्रोटेक्ट करती है। तो देखो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही, हम बोले कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसके बीच में ट्रेड होता है, और जो ट्रेड है ना वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब पैसों के थ्रू ट्रेड नहीं होता कि भाई इंडिया ने सामान खरीदा है तो पैसे देगा, पाकिस्तान पैसे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें ट्रेड इस तरीके से होता है कि इंडिया सामान देगा तो पाकिस्तान भी बदले में सामान बेचता है, मतलब सामान के बदले सामान सिस्टम से यहाँ पे ट्रेड है वो भी आज के टाइम पे होता है। तो यह फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि LOC के थ्रू जो ट्रेड होता है वो बेसिकली बार्टर सिस्टम के थ्रू है वो होता है, और वीक में 4 बार होता है। अब खैर अभी तो इसको बंद कर दिया गया है, और ना ही इसमें कोई ड्यूटी है मतलब टैक्स वगैरह यहाँ पे लग रहा है। बेसिकली दो जगह से ट्रेड होता है, कौन कौन से? एक तो है यहाँ पे इस्लामाबाद, और एक है यहाँ पे कौन सा, चाकंदाबाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, चाकंदाबाग है वहाँ और एक है इस्लामाबाद, यहाँ से बेसिकली ट्रेड होता था और अभी उसको बंद कर दिया गया। रीज़न देखो ये है कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग और जो अवैध व्यापार है वो इस रास्ते से होता है, और इसी के साथ ही पाकिस्तान है वो फेक करेंसी बेचता है, जो मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ इंडिया में भेजता है। मतलब इस ट्रेड का जो फ्री मोटो रीज़न था ना, उसका मिसयूज किया जा रहा है, दोनों तरफ से अवैध स्मगलिंग होती है, जो मिलिटेंट्स हैं उनको इंडिया में भेजा जाता है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसीलिए LOC के द्वारा जो एक बोर्ड ट्रेड होता था इसको वो भी बंद है वो कर दिया गया है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना ही, कहां कहां से ट्रेड होता है। अब देखो कुछ LOC के बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं। जो LOC है इसको मेनली सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि बेसिकली शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था इसके तहत इसको स्थापित किया गया था 1972 में, 1972 में, जब आपको पता है बांग्लादेश आज़ाद हो गया था उस दौरान शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और उसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर LOC का निर्माण है वो किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग करती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पाकिस्तान इसको दो तरीके से मॉनिटर करता है, एक तो आज़ाद कश्मीर या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और एक है गिलगित बाल्टिस्तान जो वो ऑटोनोमस एरिया है। इसी के साथ ही देखो जो LOC का ऊपर वाला एरिया, एक सेकेंड में देखते हैं, ये है ना यहाँ पे जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर वाला है, इस वाले एरिया को बेसिकली जो इसका नाम है ना बॉर्डर का, यहाँ पे वो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, UPSC पूछ सकती है, वो है NJ
9842। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि एनजे 9842 क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एलओसी है, क्या नॉर्थ वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को बेसिकली एनजे 9842 के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी समय ने आपको बताया कि एक्साई चीन है वो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है मेसेडोनिया को लेके। तो ये देखो यूरोप की कंट्री है, तो हम एक बार देखते हैं, ये ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्री है। देखो ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इटली है, ये इटली होगी यहाँ पे, और ये यहाँ पे ग्रीस है। ग्रीस के ऊपर आप यहाँ देखोगे तो यह नॉर्थ मेसेडोनिया या मेसेडोनिया कंट्री यहाँ पे है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो मोंटेग्रो कंट्री है, ये यहाँ पे बुल्गारिया है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो अल्बानिया, ये कंट्री मेनली ध्यान रखनी है। देखो हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, तो यहाँ पे पहले ऑस्ट्रिया का साम्राज्य हुआ करता था, फिर यहाँ पे युगोस्लाविया था, फिर युगोस्लाविया दो भागों में बट गया था। तो एक तो यहाँ पे मोंटेग्रो बना था, एक दूसरी कंट्री ये बन गई थी। इसके बाद में मेसेडोनिया का इशू रहा था, मेसेडोनिया पहले ग्रीस में था, फिर ग्रीस के टुकड़े, इस तरीके से बहुत लंबी स्टोरी है। खैर वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, बट एक बार हम अभी कंटेक्स्ट देख लेते हैं। देखो जो मेसेडोनिया है ना, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया, अब इसका नाम कर दिया गया रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया, मतलब नॉर्थ मेसेडोनिया इसमें ऐड है वो कर दिया गया है। अब हम देखते हैं थोड़ा कंटेक्स्ट और क्या है इसके अलावा। ये तो हो गया एक मैन छोटा सा, ये लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ मेसेडोनिया है वो एक लैंडलो कंट्री है चारों तरफ से। अब देखो सिकंदर या फिर जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ फैक्ट है। वैसे कंटेक्स्ट ही आया है कि जो ग्रीस, अभी देखो ग्रीस की लोकेशन हमें देखी दी है, रहा ग्रीस, यहाँ पे ग्रीस के अंदर क्या हुआ है, सिकंदर की एक 3.5 मीटर की मूर्ति है, उसको भी स्थापित किया गया है। तो देखो सिकंदर के बारे में फैक्ट देखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। सिकंदर मेनली इंडिया में आया था 326 BC, कौन से रास्ते से, खैबर जो पख्तूनों पास है ना, खैबर दर्रा या खैबर पास के थ्रू, उस खैबर पास के थ्रू इंडिया में आया था और झेलम रिवर के किनारे ही आपको बताया वो आके रुका था। तो यह हमें ध्यान में रखनी है। और उस टाइम पे तक्षशिला का जो साम्राज्य था, तो उसके जो शासक थे आम्बी, उनका सामना हुआ था सिकंदर से। और हुआ क्या था, जो ही जो सिकंदर या फिर हम बात करें अलेक्जेंडर द ग्रेट है, वो बेसिकली कहाँ पे, पोरस के पास पहुँचे थे, झेलम नदी के किनारे। तो पोरस के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी मतलब बहादुरी से लड़ाई की, और वो इस लड़ाई में हार तो गए थे खैर, बट उनकी जो बहादुरी को देख के सिकंदर ने उनको साम्राज्य वापस दे दिया और अपना दोस्त है वो बना लिया। ठीक है, देखो उस टाइम पे रीजन क्या था, आपको पता है कि इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं थी उस टाइम पे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, आपस में लड़ा करते थे, और अंग्रेजों ने भी उसी चीज़ का फायदा उठाया था। तो वही बात उस टाइम पे यहाँ पे चल रही थी। और उसके बाद में सिकंदर है वो वापस चला गया था। तो ये फैक्ट 325 BC या 325 ईसा पूर्व है। तो बस ये एक छोटा सा फैक्ट था अलेक्जेंडर के बारे में, तो वो हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। अब देखो UPSC यहाँ पे पूछ सकती है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई सीन है क्या। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है ACNT अलायंस को लेके। देखो ACNT अलायंस है ना, ये बेसिकली एशिया की 5 कंट्री या 5 हम बात करें टी ग्रोविंग कंट्री या फिर टी कंज्यूमिंग कंट्री है, उनका ग्रुप है। तो UPSC ऐसे देखती है कि एशिया टी अलायंस है वो इन जो एशिया की टी ग्रोविंग कंट्री है उन्हीं का एक ग्रुप है। नहीं भाई, कंज्यूमिंग कंट्री है वो भी इसमें शामिल है। तो बेसिकली कौन कौन सी 5 कंट्री हैं, एक तो है इंडियन टी एसोसिएशन, एक है चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन, तीसरा है इंडोनेशिया टी मार्केटिंग एसोसिएशन, चौथा है श्रीलंका टी ब्रांड या टी बोर्ड, और चौथा है यहाँ पे जापान टी एसोसिएशन। तो ये 5 जो टी एसोसिएशन है ना एशिया के, इन सब ने मिलकर बनाया है एशियन टी अलायंस। क्या है इसका मोटो, देखो ये अलायंस बेसिकली क्या करता है, जो टी ट्रेड है ना इसको प्रमोट करता है, इसके साथ ही जो कल्चरल एक्सचेंज है उसके ऊपर फोकस करता है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो या फिर ग्लोबल लेवल पे टी को प्रमोट करना हो, ये सारे काम इस अलायंस के द्वारा किए जाते हैं। इसी के साथ ही ग्लोबल जो कंजप्शन ऑफ टी है इसके ऊपर फोकस करता है, किस तरीके से इम्प्रूव करना है, और जो एशियन टी है इसको मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ब्रांड बनाना, एक मार्केट स्थापित करने के लिए काम है वो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है नेपाली सेट 1। देखो नेपाल ने अपना पहला सेटेलाइट है ना वो लॉन्च किया है, किसके थ्रू, नासा के द्वारा। बस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम से पता चल रहा है। ये काम क्या करेगा, ये जो नेपाल की टोपोग्राफी है या जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी मेनली करेगा। बस छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना कि इंडिया ने नहीं, नासा ने लॉन्च है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 है ना, वो पब्लिश किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो पहला फैक्ट हो गया ये, इंडिया की रैंकिंग है वो थोड़ी नीचे गई है। पहले लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग थी 138, इस बार इंडिया की रैंकिंग है वो हुई है 140। ये इफेक्ट हमें ध्यान में रहना है कि भाई इंडिया की रैंकिंग क्या है। टोटल इस बार 180 कैसी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट है वो क्या था। देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेस है इसको कितनी फ्रीडम मिली हुई है, इसके बेसिस पे इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग है वो 2018 के मुकाबले भी थोड़ी दो स्तर नीचे की है। नंबर वन पे है वो नॉर्वे रहा है, नंबर टू पे फिनलैंड रहा है, बाकी कौन कौन से हैं वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं है। बस ये बताओ ना, रिलीज किसने की है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो देखो इंडिया में मेनली प्रेस को सप्रेस किया जाता है, इसके रीजन क्या क्या दिए गए हैं। जैसे कि एक तो नक्सलवाद वाले एरिया में क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ढंग से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का इशू होता है, वहाँ पे रिपोर्टर्स ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और कई बार डेमोक्रेसी में भी कुछ ऐसे इशू सामने आ जाते हैं कि मीडिया ढंग से मतलब सपोर्ट वो नहीं कर पाती है। तो ऐसे कुछ इशूज होते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में हम बात करें जो प्रेस की फ्रीडम है वो हर्ट होती है कहीं ना कहीं। तो वो सारी काफ़ी कमियाँ इसमें बताई गई हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।